हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूरा को देखते हैं, वो एक लैम्प को देख रही होती है। वहीं हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां मिंशा और डोहन एक साथ किचन में थे। वहीं यूरा उल्फ के पास जाती है, वहीं वो लैम्प उल्फ ने उन्हें गिफ्ट दिया था। वहीं यूरा लैम्प को देख कर कहती है ये कितना अच्छा एटमोसफियर कर रहा है, और यूरा कहती है मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसके लिए थैंक यू। वहीं उल्फ उसे कहता है मुझे इसे खरीद के लिए एक साल वेट करना पड़ा। वहीं वो यूरा को बताता है कि इस लैम्प में एक मैसेज भी लिखा हुआ है। वहीं वहाँ मोमेंटो मोरी उसका मतलब होता है याद रखना तुम मरोगे, लेकिन जब तुम लैम्प को ऑन करोगे ये मैसेज गायब हो जाएगा। तभी यूरा को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं, वो किसी को मार रहा होता है। उसके बाद जब उल्फ अपना कपड़ा चेंज कर रहा होता है तब यूरा रूम के बाहर से उसे देख रही होती है, और यूरा को उल्फ के बॉडी में एक टैटू दिखता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां यूरा उस लैम्प को अलमारी के अंदर रख देती है, और वो रेडी होकर यूल्फ को मारने जाती है और वो उसे गोली मार देती है। उसके बाद हम यूरा को देखते हैं वो वंशा के घर जाती है। वही जब यूरा घर के अंदर जाती है तब वंशा जीहून को मार रहा होता है, और जीहून यूरा से उसे बचाने को कहता है। वही मिरम बैठकर खाना खा रही होती है। वही वंशा जीहून को इसलिए मार रहा था क्योंकि उसकी वजह से वो अपनी फ्रेंड के फ्यूनरल के लिए लेट हो गया था। वहीं जीहून वहाँ से भाग जाता है। बाद में मिरम भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यूरा मिंशा को सोने से उठाकर रेडी कर रही थी क्योंकि मिंशा वहीं सो गई थी। वहीं वंशा फ्यूनरल में जाने के लिए रेडी हो रहा था तब यूरा उसके पास जाकर उसकी बर्थडे का इन्विटेशन कार्ड दिखाती है, और वो लोग वंशा के 80th बर्थडे की पार्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर ओ को देखते हैं। वो उल्फ की बॉडी को देख रही थी तब वो टैटू को नोटिस करती है, और वो देखती है उसके गले से गोली आर पार हो गई है, और वो ये देखकर शॉक होती है और वो कहती है वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद वो बाहर आकर डोहुन से मिलती है। तब डोहुन डायरेक्टर ओ से पूछता है क्या इसे किसने मारा है, उसके बारे में कुछ पता चला है क्या। तब वो कहती है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और वो डोहुन को इस केस से दूर रहने को कहती है क्योंकि उल्फ उसका दोस्त था। उसके बाद डायरेक्टर वो वहाँ से चली जाती है, और डोहुन उल्फ के बॉडी के पास जाता है और वो भी उसके बॉडी के टैटू और गोली के निशान को देखता है। उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ डोहुन किचन में होता है। वहीं यूरा मिंशा के पास बाथरूम में जाती है। तब मिंशा यूरा से कहती है मैं नहीं जानती, मैं किम बॉक्सो के बर्थडे में जाकर ही रहूँगी। तब यूरा कहती है मैंने मना किया ना। वही किम बॉक्सो और वंशा का बर्थडे एक ही दिन था। उसके बाद यूरा डोहुन के पास जाती है और वो उसे पूछती है क्या तुमने डैड के बर्थडे के लिए उनकी फेवरेट सिंगर को बुक किया। तब डोहुन कहता है मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया। तब यूरा कहती है लेकिन मैंने ऑलरेडी वो सिंगर आएगा बोल के डैड को बोल दिया है, अब मैं क्या करूँगी। तभी मिंशा डॉटे हुए यूरा के पास आती है और वो फिर से किम बॉक्सो के बर्थडे में जाने की बात करती है। वहीं उसी तरफ हम वंशा और मिस पार्क को देखते हैं। वो दोनों पार्क में एक्सरसाइज कर रहे थे। वहीं मिस पार्क उससे एक्सरसाइज करा रही थी तो वंशे कहता है मैं बिल्कुल फिट हूँ, और वो ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करता है जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डोहुन की पूरी फैमिली को वंशे को छोड़कर एक शॉप में देखते हैं जहाँ वो लोग वहाँ वंशे के बर्थडे के लिए हैंडबुक खरीदने आए थे। वो लोग बर्थडे में हैंडबुक पहनने वाले थे। वहीं यूरा डोहुन से पूछती है क्या तुमने डैड के फेवरेट सिंगर को कॉन्ट्रैक्ट किया। तब डोहुन कहता है क्या उसकी नीस को बुक कर सकते हैं, वैसे भी वो फैमिली होंगे। तब यूरा उसे आग दिखाती है। वही वो जीहून से उसकी प्रॉमिस को पूरा करने को कहती है, और वो मिंशा से अच्छे से बिहेव करने को कहती है। वही मिंशा गुस्से में थी क्योंकि वो किम बॉक्सो के बर्थडे में नहीं जा पा रही थी। उसके बाद हम वंशा और एक औरत को देखते हैं। इस औरत का नाम मिसेस उन है। वही ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। वही मिसेस उन वंशा से कहती है मैं तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारे साइड में बैठूंगी। तब वंशे मिसेस वोंग के हाथ पकड़ के कहता है ठीक है तुम मेरे साइड में बैठना।
उसके बाद वंशज शॉप में आता है और वो अपने बर्थडे के लिए हैंडबुक ट्राई कर रहा था। तभी मिंशा उसके पास जाकर उसे कहती है कि बॉक्सर का बर्थडे भी आपके बर्थडे के दिन ही है। तभी यूरा वहाँ जाकर मिंशा को अपने साथ वॉशरूम लेकर जाती है और वो उससे पूछती है, तुम मुझे बताओ कि बॉक्सर और ग्रैंडपा में से किसके पास ज़्यादा टाइम है जीने का। तब मिंशा कहती है, ग्रैंडपा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो 100 ईयर्स तक रहेंगे। तब यूरा कहती है, अभी ग्रैंडपा का 80 ईयर्स होगा तो उनके पास और कितना साल बचेगा। तब मिंशा कहती है 20। यूरा कहती है कि बॉक्सर अभी 8 ईयर्स का है तो उसे 100 ईयर्स कंप्लीट करने के लिए कितना साल बाकी है। तब मिंशा सोचने लगती है। तब यूरा कहती है, क्या तुम्हें 100 से 8 माइनस करना नहीं आता है। और वो उसे कहती है, क्या तुम मैथ्स की क्लास में सोती हो। और वो मिंशा से 100 में से 8 माइनस करने को कहती है। वहीं जब ये लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तब वंशा एक बात को सोचता है, जहां मिस पार्क और मिस वॉन एक दूसरे से फाइट कर रहे थे वंशा के साइड में बैठने के लिए। तब ये सोचकर वंशा फैमिली से कहता है, मुझे अपना बर्थडे नहीं मनाना है। और वो गाड़ी से उतरकर वहां से चला जाता है। वहीं डोहुन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वंशा नहीं रोकता है। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर ओ को देखते हैं, जहां वो उल्फ को लगने वाली गोली को देख रही थी और वो अपने लैपटॉप में एक सीक्रेट सीस को देखती है। ये सीस कोट नाम ब्लड के बारे में होता है। इस आदमी ने 13 बच्चों का खून किया था। वहीं डायरेक्टर ओ उन मरे हुए बच्चों के फ़ोटो भी देखती है। उसके बाद डायरेक्टर ओ अपनी लॉकर से एक कार्ड निकालती है। नेक्स्ट सीन में हम एक औरत को देखते हैं, वो लिप में थी। वहीं उस लिप में डायरेक्टर ओ भी थी। वहीं सभी के लिप से जाने के बाद डायरेक्टर ओ उस लेडी से कहती है, बुलेट दिखाई दिया था। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये लेडी अपने घर जाती है, जहाँ वो अपने बैग से डायरेक्टर ओ के रखे हुए फ़ोटो को निकालती है। और वो ये फ़ोटो वुल्फ की होती है और वो लेडी वुल्फ के टैटू को भी देखती है। उसके बाद हम डोहुन को देखते हैं, वो कॉफ़ी ऑर्डर करने जाता है, जहाँ वो पिन मारता है और उसे उसका नेक्स्ट टारगेट मिलता है। उसके बाद डोहुन उस आदमी पर नज़र रखता है और ये आदमी एक एकेडमी में होता है, जहाँ वो बच्चों को पढ़ा रहा था। वहीं हम यूरा और वंशे को देखते हैं, वो दोनों वंशे के घर में होते हैं। वहीं यूरा वंशे को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। वहीं वंशे बाथरूम में जाता है। वहीं यूरा बाहर रोने का एक्टिंग करती है। तब वंशे कहता है, क्या तुम रो रही हो, तुम मत रो। तब यूरा कहती है, अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मान जाओगे तो मैं नहीं रोऊंगी। तो वंशे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, जब वो आदमी बाहर आता है तब डोहुन उसको फॉलो करता है। वहीं वो दोनों बस में जा रहे थे और डोहुन उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। वहीं बस स्टेशन में रुकता है, जहां डोहुन उस आदमी को मारने के लिए जगह को चूज़ करता है, कहां से वो उस आदमी को मारेगा। उसके बाद हम यूरा को देखते हैं, वो अकेली बैठी होती है, जहां वो फिर से उसी फ्लैशबैक सीन को याद करती है, जहां वो उस लड़के को फिर से देखती है। वहीं हम एक लड़की को भी देखते हैं, जहां उसके गर्दन में एक करम सिस लगाया जाता है और एक टैटू बना दिया जाता है। वहीं ये लड़की कौन है अभी हमें नहीं दिखाया जाता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और यूरा के पास डोहुन का कॉल आता है और वो कहता है, मैं आज घर जल्दी नहीं आ पाऊँगा, मुझे कुछ काम है। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर ओ को देखते हैं, वो अपने घर आती है। वहीं उसके घर में वो लेडी पहले से ही बैठी होती है, जिससे वो लिप में मिली थी और उसने अपने सामने रगन रखा होता है। वहीं डायरेक्टर वो उस लेडी को कहती है, तुम अभी भी उतनी ही सेमलेस हो, तुमने कई बच्चों की जान ली है। तब वो लेडी कहती है, मेरी फैमिली को होस्टेस बनाया था और उन्होंने मेरे हस्बैंड को मार डाला था और साथ में मेरी बेटी को मारने की भी कोशिश की थी। और वो कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरी बेटी की रक्षा करो। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो रुक कर कहती है, जिस आदमी को स्नीपर के द्वारा मारा गया है, शायद उसके मोबाइल से तुम्हारी हेल्प हो सके, उसके पास एक और हिडन मोबाइल था। वहीं हम डोहुन को देखते हैं, वो डायरेक्टर ओ के ऑफिस में छुपते हुए आता है और वो लॉकर से उल्फ की फाइल देखता है, साथ में उसकी मरी हुई फ़ोटोज़ भी देखता है। वहीं उसे काली ओम की भी फ़ोटो दिखती है, जहां वो देखता है उसकी बॉडी में एक पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद हम डायरेक्टर ओ को देखते हैं, वो एक होटल में जाती है,
जहाँ वो उल्के रूम से उसके मोबाइल को ढूंढने जा रही थी। वहीं हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं, उसने कैप पहनी हुई थी। वहीं डायरेक्टर ओ को उस पर शक होता है। वहीं जब डायरेक्टर ओ उल्के रूम में जाती है तब उसे उल्फ का मोबाइल नहीं मिलता है। वहीं हम गाड़ी में यूरा को देखते हैं, उसने ही उल्फ का मोबाइल उसके रूम से चुरा लिया था। वहीं हम दोहुन को देखते हैं, वो अपने नेक्स्ट टारगेट को मारने के लिए उस जगह में जाता है। वहीं वो उस आदमी के ऊपर गोली मार देता है और उसके मरने के बाद वो उस आदमी को चेक करने बस में जाता है, लेकिन ये आदमी नहीं मरा था और उन दोनों में फाइट होता है। नेक्स्ट सीन में हम यूरा को देखते हैं, वो घर में थी। वहीं उसके साथ मिंशो थी। वहीं मिंशो उसी मोबाइल को लेकर आती है जो उल्फ का होता है। वहीं उसमें कॉल आ रहा था, तब यूरा मिंशो से मोबाइल ले लेती है, जहां कॉल में एक आदमी कहता है, मुझे आशा है तुमने अभी मुझे नहीं भूला है यूरा। वहीं बाहर कोई बेल बजा रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड एंड होता है। और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।